बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में बी ब्लॉक का स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय, एसडीएम सदर डॉक्टर विनोद कुमार, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, अस्पताल अधीक्षक सुधा भारती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बेतिया डीएम दिनेश कुमार राय ने बताया कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेतिया जीएमसीएच अस्पताल के बी ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। 144 करोड़ के योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इसका शिलान्यास भी तभी हुआ था जब माननीय रेणु जी उप मुख्यमंत्री थी और एनडीए की सरकार थी। एनडीए के सरकार में ही कार्य होते हैं। हम लोगों ने जब रेणु जी के उप मुख्यमंत्री रहते कैबिनेट ने पास कर दिया था कि आयुष्मान बिहार के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का मुफ्त सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन एनडीए की सरकार गिरने के बाद 17 महीने तक तेजस्वी जी ने गरीबों को राशन कार्ड के सहारे 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई। आज फिर से एनडीए की सरकार बनी है। 1 महीने के भीतर 58 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए के इलाज, ऑपरेशन, भर्ती की सुविधा दे करके पुनः एनडीए सरकार ने यह बता दिया है कि विकास का अर्थ केवल एनडीए है।